जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपनी न्यू वीडियो के अंदर। आज हम बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बैंक अल्फला टर्म डिपॉजिट के ऊपर है। आज हम देखेंगे कि बैंक अल्फला के जो सेविंग्स अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है बैंक अल्फला की तरफ से जो हमें मुतारिफ करवाया जा रहा है, उसके अंदर हमें क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, कितना प्रॉफिट रेट है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, पूरे के पूरे हम प्रॉफिट रेट्स भी देखेंगे। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लिंक पे आ जाइएगा, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बैंक अल्फला का टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। अल्फला टर्म डिपॉजिट ऑफर्स अट्रैक्टिव रेट्स विद अ हाई डिपॉजिट प्लेसमेंट फॉर फिक्स्ड टेन्योर्स विद अ वैरायटी ऑफ प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शंस। बैंक अल्फला का जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट है जो वो भी बेसिकली आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रेट जो है ना वो प्रॉफिट रेट्स देता है, जो कि डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के ऊपर जो है वो इन्हजार करते हैं। फीचर्स और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट इन पीकेआर करेंसी, यानी कि ये जो है बेसिकली बैंक अल्फला का जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट है ये बेसिकली पीकेआर करेंसी का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। नो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। आप मिनिमम यानी कि आप अपने अकाउंट अगर ये ओपन करवाते हैं आपके आपसे यानी कि इस चीज की कोई वो मांग नहीं है कि आपने मिनिमम इतना बैलेंस रखना है, आपकी मर्जी है। डेफिनेटली बैलेंस रखेंगे तो ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको पता है सेविंग्स अकाउंट के अंदर टर्म डिपॉजिट के अंदर ऐसा ही होता है। उसके बाद अमाउंट कैन बी प्लेस फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। आपकी आप जो अमाउंट के ऊपर यानी कि टर्म डिपॉजिट आप जो अपनी अमाउंट को करते हो, यानी कि जिसके ऊपर जो अपनी अमाउंट के ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप प्रॉफिट ले रहे होते हो, उस अमाउंट को आप 1 महीने के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए रख सकते हो। उसके बाद ऑप्शंस ऑफ प्रॉफिट पेमेंट एट मेच्योरिटी मंथली एंड एनुअली, जो आपकी पेमेंट की जो प्रॉफिट का पे आउट होगा, जो पे आउट सिस्टम होगा, जो पे आउट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी या तो जब आपकी जो आपका टर्म डिपॉजिट है या तो मच्योर हो जाए तब आपको प्रॉफिट कब मिलेगा। पे आउट आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने जो भी चूज किया होगा, आपने अगर लट से चूज किया है कि आपने 1 साल का टर्म डिपॉजिट किया है और आपने कहा है कि मैं जब वो मच्योर हो जाएगा तब अपना प्रॉफिट उठाऊंगा, तो भी वो ऑप्शन मौजूद है। अगर आप ये कहते हो कि आपने 2 साल का प्लान लिया है, टर्म डिपॉजिट लिया या 1 साल का लिया, तो आप ये कहते हो मेरे जो मंथली प्रॉफिट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और अगर आप ये चाहते हो कि आपने अगर 5 साल का लेट्स से या 3 साल का या 4 साल का लिया और अगर आप ये कहते हो मुझे एनुअली चाहिए यानी कि सालाना प्रॉफिट चाहिए, तो आपको सालाना प्रॉफिट का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी मिल सकता है। उसके बाद अगली क्या चीजें हैं यहाँ पे कि ऑल टैक्सेस आर एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसके बाद पेनल्टी ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल एंड सर्विस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर बैंक्स प्रिवलिंग स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने लेट्स से आपने प्लान चूज किया 1 साल का और आपने वहां पे मेच्योरिटी चूज की थी कि आप जो है ना वो मेच्योरिटी के ऊपर यानी कि एनुअली या यानी कि आपने कहा था कि मैंने जब टर्म डिपॉजिट मेच्योर हो जाएगा तब मैं विड्रॉल करूंगा, लेकिन आपने क्या किया, आपको जरूरत पड़ी या पैसों की, आपने क्या किया 6 महीनों के अंदर उसे विड्रॉल ले लिया, तो आपके उसके आपको आपको आपके ऊपर यानी कि उसकी पेनल्टी भी पड़ेगी और बैंक की तरफ जो जितने स्केड्यूल ऑफ चार्जेस होंगे वो भी आपको जो है वो पे करने पड़ रहे होंगे, क्योंकि आपने जो है वो प्री मेच्योर यानी कि विड्रॉल लिया है और उसकी पेनल्टी पड़ेगी आपको। उसके बाद यहाँ पे हम जो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्लिक हेयर टू व्यू बैंक प्रॉफिट रेट्स, अगर हम प्रॉफिट रेट्स की तरफ चले यहाँ पे आप इस लिंक पे ओपन क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है तो ये आपके सामने ये वाला जो है वो फॉर्म खोल देगा। यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे जो है वो प्रॉफिट रेट्स इनके लिखे हुए हैं कि अल्फला पीएलएस सेविंग्स अकाउंट के अंदर ऑल टाइप्स के अंदर क्या रेट है, प्रॉफिट रेट है 13.50 है। अल्फला रॉयल प्रॉफिट के अंदर भी ऑल टाइप्स के अंदर जो है वो 13.13.5% जो है वो प्रॉफिट रेट है। अल्फला किफायत के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऊपर यानी कि 0 से 5 लाख के ऊपर 13.6% है और 5 लाख से जो है 50 लाख के ऊपर 13.75% है और 50 लाख से ज्यादा के ऊपर 13.85% जो है वो प्रॉफिट रेट है। और इसी तरह आप जो है वो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो बैंक अकाउंट यानी कि इनके जो टर्म डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट है जिनमें आपको बेसिकली प्रॉफिट हो रहा होता है, आप उनके जो है वो प्रॉफिट रेट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबकी सबकी जो है वो डिटेल्स लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके सामने ये फॉर्म, इसका जो है मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा इस यानी कि इस वेबसाइट का, आप इसे डाउनलोड यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और ऐसे आप पढ़ भी सकते हो। और उसके बाद हम दोबारा अगर वापस आए तो टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली इस पे अप्लाई होंगी और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि क्लिक हेयर टू फॉर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं और आप इसका फॉर्म देखना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो है तो ये आपके सामने ऐसा जो है वो फॉर्म ओपन कर देगा। ये तकरीबन 13 पेजेस का फॉर्म है, आप इसे यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ आपको तो ये बेसिकली फॉर्म कुछ ऐसा होगा।
तो यहाँ पे आप देखें कि अकाउंट ओपन डेट है और अकाउंट टाइटल है, आपने जो भी देना है अकाउंट नंबर है। तो मैं आपको ये कहूंगा यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है ये बैंक बैंक यूज के लिए है, यानी कि मैं आपको बेसिकली यही कहूंगा कि अगर आपने ये अकाउंट ओपन करवाना है तो आप जो है वो ब्रांच विजिट करके ही जो है वो ओपन करवाएं। और अगर आप घर बैठे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करके सबमिट कर सकते हैं। तो आपको अल्फला का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद कॉल करेगा आपको, आपको जितनी भी और कंफ्यूजन होंगी वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और इंफॉर्मेशन लेके अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही जो है रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो अल्फला बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं और इनका जो है वो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपना जो है वो प्रॉफिट जो है वो मार्जिन कैलकुलेट भी कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप देख भी सकते हैं कि आपको कितने पे क्या प्रॉफिट मार्जिन हो रहा होगा। आई थिंक सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अपना।